हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप सोच रहे हैं इतना सुबह सुबह नहा के, अभी सुबह के बज रहे हैं, मतलब 7:30 हो रहे हैं। मैं 7 बजे तक नहा ली थी, धूप भी हल्का हल्का पेश किया है, अच्छा लग रहा है। क्योंकि आज है गंगा स्नान, जैसे आप लोगों को पता होगा, तो सारे लोग नहा रहे थे और शाम को गर्म भी लगने वाला है गाइस, चंद्रग्रहण। तो इसीलिए यही कि मतलब सुबह में नहा लेने के लिए, क्योंकि एक क्या द्वापसी क्या होता है स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें पूजा नहीं किया जाता है। और आज है मंगलवार, तो मेरा फास्ट है, जैसे आप लोगों को पता रहता है कि मैं फास्ट करती हूँ। तो इस वजह से मैं सुबह सुबह नहाने बहुत ही ठंडा लगा था, ज़्यादा ठंडा आ गया है और मुझे हेयर वॉश करके नहाना था, तो और भी ज़्यादा ठंडे पानी से नहाने में बहुत ही ठीक है। तो बस अभी पूजा वगैरह सब कुछ करके और हम बैठे हैं, थोड़ा थोड़ा धूप आ रहा है, हल्का हल्का सुबह का जो होता है अच्छा लगता है ना। तो बस वही चलो, थोड़ा बाल वगैरह सूख जाए मेरा, तो फिर आगे काम करते हैं। अभी मम्मी पूजा करनी थी, वो मंदिर भी जाती है पूजा करने के लिए, इसलिए उनको लेट हो गया। मैं नहा ली तो जल्दी से कर ली, क्योंकि साथ में कल मेरे पास ज़्यादा टाइम हो जाता, तो मैं नहा के पूजा कर ली, वो मंदिर से आई फिर पूजा कर लिया। तो चलिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए और आज हम क्या करते हैं आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए दूध लेके आ गए, दूध चलिए घर पे करके आप लोग से बातें करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भी ठंडी लग रही है। और अभी बनाने जा रही चाय, दूध आने बहुत टाइम लगता है, 9 बज जा था, इसी वजह से मैं जाके ले आई। वैसे भी काफ़ी जल्दी तो आता ही है एक्स्ट्रा 1 kg, क्योंकि मेरा मम्मी दोनों लोग कर रहे थे, तो चाय वगैरह बनाना रहता है इस वजह से। तो मैं भी यहाँ पे बादाम मखाना ये सब पूछ लूँगी और फिर चाय बना लूँगी, कब उसे बातें करूँगी। देखिए गाइज, ये अभी तक सोई है, अभी बज रहे 8:30, देखिए सोई है ना। और कल रात में मेरे को 11:30 सुनाई थी, मेरे इतने लेट तक सोती नहीं है, 11:30 सोई है, इस वजह से अभी तक ये सो रही है। देखिए मेरे को टाइम दिखा रहे, बैठे टाइम देखिए कितने बजे, 8:30 हो गया, अभी तक वो मेरी लड़की सोई हुई है, अभी जगह भी नहीं, तो नहीं चुकी। देखिए कैसे सोई है, सोलो बेटा सोलो, रात में मेरा नींद हराम करती, आराम से सोई। अभी बन रहा है, इसको भी मैं जा रही हूँ निकाल लेने, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। वेट, मैंने सब कुछ रेडी कर दिया नाश्ता के लिए, देखा आप लोगों ने। सुबह में पापा का एसी जैसे भी चल रहा है, आज शायद लास्ट है, तो मम्मी मॉर्निंग में ही 4 बजे ही बन जाता है नाश्ता गाइस। तो पापा तो नाश्ता करके चले गए हैं, फिर मेरी बहन को खाना है, तो वो जब खाएगी तब रोटी बना देंगे, भुजिया वगैरह बना हुआ है, फिर खाना बनाना है, तो पहले हम लोग कर ले, फिर उसके बाद धूप आता है ना, तो हम लोग यहीं पर बैठे, देखिए धूप आ रहा है। तो चलिए मम्मी क्या कर रही है देखते, मम्मी तुम क्या कर रही हो? मम्मी देखिए, मेरी मम्मी बेचारी पूजा में ही रहती है, पूजा कर ली, अब उसका सफाई कर रही है, हाँ ये सब अरेंज कर दी, और ये कल का प्रसाद है, ये सब नहीं मम्मी, ये सब धोए गए अभी, और हम लोग का छठ पूजा का अभी तकीला थोड़ा बहुत लटका हुआ बच्चा है, देखिए आप लोग। तो चलो हम बना दिए हैं, चलो आओ, नहीं तो फिर ठंडा हो जाएगा। मेरी मम्मी को पूजा में बहुत ज़्यादा मन लगता है, मतलब सबको लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, तो वही साफ कर रही हैं, बस आ रही हैं, तो वो भी खाएंगी। तो चलिए मिलते हैं खा के, नाश्ता वगैरह सब कुछ कर लिया, और मेरी बेटी अभी तक सोई है गाइस, देखिए उसकी मौसी उसको जगाने जा रही है। ओ चिक्की जग गई, गुड मॉर्निंग चिक्की, सबको बोलो बोलो, मैं आज 9 बजे सो के जगी हूँ। भैया आ गया, देखो हंस रही है कैसे, भैया आ गया, अब तेल, हाँ तेल मालिश होगा चिक्की का। ये कल लड़की 11 बजे सोई थी, 11:30 सॉरी, मेरे को जगाई और अभी सोया, अभी भी नहीं उठ रही, आप लोग देखा ना, रवि भी इसको हम उठा रहे थे जबरदस्ती, उठ जा बेटा, तब उठी है, तेल लगाने के इसका थोड़ा आधा घंटा लेट हो गया, 8:30 में लगता है, हम सोचे थोड़ा सो ले ज़्यादा। यहाँ पे मम्मी को मौली बांध रही हूँ, जो कल हम लोग ने पूजा किया था तुलसी विवाह का, उसी का मौली है गाइस। और देखिए यहाँ पे जो छुआ गया था ना, गंगा स्नान है, उसी का सब रखा है, मेरा नहीं, मतलब पापा आगे ड्यूटी से, खाना वगैरह जो भी था उन्होंने खा लिया, सबने खा लिया, क्योंकि आज 4 बजे से ग्रहण भी लगने वाला है ना, चंद्रग्रहण। तो चंद्रग्रहण क्यों लगता है मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊँगी, मतलब वैसे तो सबको पता होगा, बट मैं बताऊँगी आप लोगों की चंद्रग्रहण क्यों लगता है। और इस महीने में तो गाइस मतलब 2 बार ग्रहण लग गया, एक बार पहले कुछ टाइम पहले सूर्य ग्रहण लगा था, अभी फिर से चंद्र ग्रहण लग गया है। और तो ग्रहण लगता है तो कुछ खाया पिया नहीं जाता है, 2 घंटा के लिए लगेगा शाम में 4:30 से
6:30 तक, शायद नहीं सॉरी 4 से 6:30 ऐसे ही कुछ लगेगा। तो इस वजह से कुछ खाया पिया तो जाता नहीं है, तो हम लोग ने अभी सब कुछ खा लिया, मुझे भी जो खाना था खा लिया, पापा वगैरह सब कुछ, और फिर अभी बैठे थे तो सोचे चलो आपसे बातें करूँ। सब चीज़ मैंने कैप्चर लिया होता है ना, इतना सारा कपड़ा है गाइस देखिए आप लोग, चलिए इसको हम लोग फोल्ड कर लेते हैं, नहीं तो होता है ना इकट्ठा होते 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 इतना सारा कपड़ा हो जाता है कि फिर मन भी नहीं करता है। तो अभी मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ, जो जो जहाँ जहाँ है वो रख देती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था गाइस कपड़ा फोल्ड करने में, विद इन 30 से 35 मिनट लग गया था मेरे को फोल्ड करने में, क्योंकि हमेशा इधर उधर बिजी इधर हो जा रहे थे, 2 दिन से टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो बहुत ज़्यादा हो गया था। फाइनली मैंने कंप्लीट कर लिया सारा, और गरन लगने से पहले मैंने सारे खाने में तुलसी पत्ता डाल दिया था, क्योंकि जब गरन लग जाता है तो नहीं खाया जाता है गाइस। और यहाँ पे नमक का डब्बा भी धो दिया जाता है, मेरे घर में गरन फेंक दिया जाता है नमक, और उसके बाद जो भी साफ़ी वगैरह सब गोद दी थी मम्मी धोने के लिए। और फिर मैं छत पर आ गई थी थोड़ा घूमने, क्योंकि अभी तो कुछ काम नहीं था, तो सोचा चलो थोड़ा छत पर घूम। तो देखिए गाइस मतलब चंद्रमा अब पूरा मतलब हो जा रहा है गोल, नहीं तो ऐसे पूरा हाफ था, मैंने तो उतना कैप्चर नहीं कर पाया, पर जितना किया देखिए दिख रहा है ना, अभी ग्रहण हो गया खत्म। अब हम लोग चंद्रग्रहण में क्या क्या करते हैं आप लोग दिखाते हैं, देखिए चंद्रग्रहण में कोई भी ग्रहण लगता है तो गाइस आपको मैं दिखा रही हूँ। तो हम लोग गाइस सारे घर में झाड़ू फिर पोछा जो भी होता है सब करते हैं, फिर उसके बाद जितना बर्तन रहता है वो सबको धोते हैं। तो मैंने पहले ही बर्तन दोपहर में ही सारा धो लिया था, तो इसलिए बस अब खंगाल के मैं रख दे रही हूँ, जितना बर्तन होता है गाइस वो सब मैं धो ले रही हूँ। सारा बर्तन वगैरह धो के फिर मैं बर्तन स्टैंड सब साफ़ कर दी गाइस, मतलब ये भी साफ़ करते हैं, और इधर मम्मी देखिए पोछा लगा रही है, और मैंने सारा बर्तन कंप्लीट कर दिया धो के। फिर अब इसको बर्तन स्टैंड में रखेंगे, जब ये सूख जाएगा सारा बर्तन तब। और फिर उसके बाद गाइस मैं नहाने चली गई थी, देखिए नहा के आने के बाद फिर मैं छुआ जाता है ग्रहण का जो भी होता है, तो मैं यहाँ पे छू ले रही हूँ। सो गाइस देखा आप लोगों ने, मैं अभी नहा के आ गई हूँ, और नहाने से पहले नहाने के बाद फिर वो जो छूते मैंने छू लिया। तो हम लोग यही करते हैं कोई भी ग्रहण लगता है गाइस, तो यही, और आज तो चंद्रग्रहण लगा था, और मैंने देखा चंद्रमा पूरा आधा हो गया था गाइस, वो तो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, बट जो भी थोड़ा सा क्यों मैंने वीडियो में शेयर किया हुआ है। तो चंद्रग्रहण गाइस इस वजह से लगता है, जैसा मुझे पता है मैं आप लोग से बता रही हूँ, कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाता है और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, बीच में पृथ्वी रहता है, इस वजह से चंद्रग्रहण लगता है, मतलब रुकावट लाती है, तो इसी वजह से लगता है। और ऐसे मम्मी लोग तो कहती है कि भगवान जी पे कोई ग्रहण आता है तो ऐसा होता है, वैसे ये भी सही बात है, माना जाता है, पर साइंस के अनुसार मतलब चले तो वो चीज़ रहता है जो मैंने बताया आप लोगों को। तो यही था बस, और कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मैं ये ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, और मेरी बेटी को देखिए बैकग्राउंड में म्यूजिक वो खेल रही है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।